आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा। थोड़ा पीछे हो जाइए थोड़ा। तो तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में राहुल गांधी गए, पूजा अर्चना की, और पूजा अर्चना के बाद में राहुल गांधी की पदयात्रा जो है फिर से शुरू हो गई है, और राहुल गांधी की यात्रा यहाँ से आगे बढ़ रही है। तो राहुल गांधी पहुंचे बाबा वैद्यनाथ के धाम पर, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, और बाबा वैद्यनाथ इनको आशीर्वाद दे, देश संभालने की शक्ति दे। तो आपको लग रहा है कि ये आशीर्वाद यहाँ पर मिलेगा देश संभालने? बिल्कुल मिलेगा। पूरे दुनिया को जब यहाँ से आशीर्वाद मिलता है तो इनको क्यों नहीं मिलेगा। कहा जाता है कामना ज्योतिर्लिंग है, बस तो जो आप मनोकामना मांगे पूरी होगी। इस देश के लिए जो लड़ाई राक्षसों से लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें उनको सफलता मिलेगी। राक्षसों से लड़ाई आप लड़ाई लड़ रहे हैं? किस तरह राक्षस कह रहे हैं आप? जो शासन में है। अच्छा, हाँ। तो आपको लगता है कि राहुल का आज यहाँ पर आना इतना बड़ा जो है वो एक मुद्दा बन सकता है कि उनको शक्ति मिलेगी देश संभालने की? शक्ति पूरी तरह से। और जितना ही साधारण आदमी है, इतने बड़े खानदान के है, उसके बाद भी इनका जो रवैया आप देखने में आ रहा है वो क्या लग रहा है? ये तो बेचारे 10-15 साल ही SPG के प्रोटेक्शन में रह गए, जिसके चलते ही पूरा देश घूम नहीं पाए। अब SPG हटा है, ये बेचारे घूम रहे हैं, देख रहे हैं, दुनिया भारत को देख रहे हैं। इनकी भी तो मजबूरी थी ना, इनके दो दो आदमी शहीद हो गए इनके परिवार के, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? और इनको लोग पप्पू बोलता है, जो खुद पप्पू है इनको पप्पू बोलता है। पूरी तरह से ये बहुत सक्सेसफुल बनेंगे आने वाले समय में। लेकिन आपके यहीं से गोड़ा से सांसद निशिकांत दुबे, वो तो कुछ और ही ट्वीट कर रहे हैं कि बांग्लादेशी उनका आशीर्वाद। बांग्लादेशी क्या बांग्लादेशी, इनको अभी मंदिर गए तो ये क्या हिंदू नहीं है क्या? मंदिर गए ना जी, तो सब धर्म को लेके चलने वाले आदमी है ना। ऐसा नहीं ना है कि खाली हिंदू है हिंदुस्तान में है, हम भी हिंदू है, हम रोज मंदिर जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ मुसलमान को भगा दे यहाँ से? सबको लेके चलना है ना, तो वो सिद्धांत है कांग्रेस का। आपको लगता है कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की जिस तरह से छवि बनाई गई उसको लेकर के अब हिंदू तबका जो है उसके दिमाग में जो बातें डाली गई या वहां तक पहुंची वो बदल रही है? देखिए, हम एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, मुसोलिनी था एक इटली का, जहाँ राहुल गांधी का नाना घर है ना, मुसोलिनी एक शासक था, बाद में तानाशाह बन गया। उसका काम क्या था? आदमी का बुद्धि को चोरी करना। तो अभी मोदी जी सब आदमी के बुद्धि को चोरी कर दिए, और उसी मुसोलिनी को जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो लोग सड़क पर दौड़ा दौड़ा करके एक एक अंग को काटा। किसकी तुलना कर रहे हैं आप मुसोलिनी से?
तुलना नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल ओपिनियन दे रहे हैं कि आदमी को सबको लेके चलना चाहिए, किसी एक को लेके चलने से नहीं चलेगा। आप देवघर के आम आने वाले कार्यकर्ता है? नहीं नहीं, हम देवघर के आम आदमी है और हमको किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम एक भारत के नागरिक है और भारत के नागरिक होने के नाते सत्ता पक्ष के विरोध में बोलना हमारा कर्तव्य है। तो आपको लगता है कि इतनी जागरूकता है लोगों में? नहीं है तो नहीं, हमारी जागरूकता है ना, हम पढ़े लिखे क्यों है? सरकार के खिलाफ जो बोलता है वो ओरिजिनल नागरिक है, ओरिजिनल नागरिक है देश का, जो जिसको अच्छा नागरिक कहते हैं, और जो सरकार के सपोर्ट में बोलता है वो नागरिक नहीं है, वो चाटुकार है। लेकिन वो कहेंगे कि अरे विरोधी के बात पर ही ना, विरोधी के ही बात पर कल मान लीजिए कांग्रेस शासन में आ जाएगी, बीजेपी विरोध में आ जाएगी, तो हम बीजेपी के साथ रहेंगे। आप ये बात कह रहे हैं? कह रहे हैं, क्योंकि उसके खिलाफ बोलना ही सबसे बड़ी चीज है ना, वो खिलाफ बोलने से उसका बढ़िया सब कार्यक्रम होगा। और ये सरकार जो है विरोधी को जेल भेज रही है, एको को आप देखे हैं कि उसके शासित राज्य का कोई आदमी जेल गया है क्या? सब यही सब है। अच्छी बात है कि आप हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव सबके खिलाफ जांच करवा रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ विरोधियों के यहाँ ही जांच क्यों हो रही है? छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? रमन सिंह को तो कुछ नहीं हुआ, शिवराज सिंह को तो कुछ नहीं हुआ, वहाँ महाराष्ट्र में तो सब देखिए रहे हैं, आसाम का स्थिति जो मुख्यमंत्री है उससे बड़ा तो गुंडा को है ही नहीं। वो बोल सकते हैं हम उतना, कुछ नहीं होगा, क्या होगा? लोकतंत्र देश, लोकतंत्र है तो बोलने की तो आजादी है। आप सही जगह आ गए, गुवाहाटी वालों को प्लेन में से उतरवा लेते हैं वो लोग, उतरवा ले हमको भी उतरवा ले, क्या होगा? देश के लिए इतना आदमी शहीद हुआ 47 में, हम भी शहीद हो जाएंगे। क्या करते हैं आप? हम कुछ करते हैं उससे क्या मतलब? हम नागरिक हैं, हम एक अच्छे नागरिक हैं देश, और नागरिक की परिभाषा हम जानते हैं, उसी के अनुसार बात कर रहे हैं। निशिकांत दुबे बहुत अच्छा काम किए हैं देवघर के लिए, हम उसकी उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जिस पार्टी में अभी है और जिस तरह से सत्ता उनकी चल रही है उसकी आलोचना हम कर रहे हैं। मोदी जी के खिलाफ हम क्यों रहेंगे? हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ सब चीज को दे रहे हैं, सबको बांट रहे हैं, फ्री में लॉलीपॉप दे रहे हैं, और हमारे जैसा गरीब आदमी को कुछ मिल रहा है? किसको क्या मिल रहा है? कौन आदमी एगो आई बता दें हमको कि इनको क्या मिला है 9 साल में? लेकिन झंडा एकदम बीजेपी का बुलंद रखे, वो धर्म का झंडा बुलंद है। हाँ, तो धर्म और यहाँ पे धर्म नगरी में हम, धर्म नगरी है तो राम को हम मानते हैं नहीं मानते हैं? हमारे भगवान राम का प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, राम के विचार को, मर्यादा, वो भगवान नहीं थे, बाद में वो इतना ज्यादा मर्यादित हो गए कि भगवान शंकर भी उनको भगवान मानने लगे, उनकी मर्यादा को देखकर कि एक बाप को कैसे ट्रीट किया जाता है, एक भाई को कैसे ट्रीट किया जाता है। भगवान राम कहीं भगवान के रूप में नहीं आए हैं, कृष्ण भगवान भगवान के रूप में आए हैं, लेकिन राम जो है एक मानव के रूप में घर से पैदा होकर के, घर से वनवास लेकर के रावण को मारने तक कहीं दैविक शक्ति का प्रयोग नहीं किए हैं और मर्यादा में ही चले हैं, और मर्यादा इतना हाइट का था कि महादेव भी उनको भगवान मान लिए। लेकिन आपके आपके जो है वो सांसद कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि हाँ, बाबा की नगरी में गए हैं तो आशीर्वाद मिले और इनको जो बुद्धि मिले कि ये अयोध्या में भी जाएं, इस तरह के ट्वीट है उनकी तरफ से। क्या हुआ, अयोध्या नहीं जाएंगे क्या? अब नहीं जाएंगे जाएंगे, उनका मर्जी, उनसे क्या मतलब? हम नहीं गए अयोध्या, क्या हम मैंने दूसरा जात हो गए क्या? कहानी एक ही है। अब हमको जाने का मन करेगा जिस दिन राम के प्रति भक्ति होगी उस दिन वहां चले जाएंगे, हमको कोई रोक लेगा क्या? बताइए, कोई रोक लेगा? राम भगवान नहीं है। देखिए मैं राम, मैं जो है वो अक्सर सिद्धांत को क्या को बीजेपी का आदमी फॉलो करता है कि आपने भगवान राम, भगवान राम को दशरथ नहीं भेजे थे कहां? वन। वो जान गए कि वो प्रतिज्ञा लिए थे कि कैकेयी को हम एक वर देंगे, उस वर को पूरा, उनकी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए भगवान राम बन गए। आजकल क्या को बेटा जाएगा बाप के नाम पर?
अच्छा भी जाएगा, कोई नहीं जाएगा, जो अपने बाप को मानता है वो जाएगा। हाँ, के मानता है, सब मानता है, कोई नहीं मानता, केवल अपने पुत्र, अपने पुत्र के लिए नहीं बोलते सबको, ठीक ना, अपना पुत्र के लिए नहीं बोले, आपका पुत्र आपको नहीं पूछता, नहीं पूछता है, बात हम नहीं कर रहे, हम जनरल बात, अरे लेकिन जनरल का ही बात है, क्या नाम है वो साहब का, राकेश कुमार, एक मिनट रुकिए, अरे राकेश जी ये थोड़ा आपके पिता की उम्र के, थोड़ा सा हम सम्मान देकर के बात करते हैं, हम सम्मानित करते हैं, अरे लेकिन एक होता है ना कि हम लोग आपका देखते हैं, हम ऑनलाइन में यूट्यूब में आपका देखते हैं, हम व्यूअर हैं आपके, थैंक यू, सब्सक्राइबर, मैं तो ऐसे ही जो है वो धक्का लग गया फिर इधर पीछे रुक गया, सब्सक्राइबर नहीं है, हाँ व्यूअर है, थैंक यू और आप बहुत अच्छा सब चीज का एनालाइज करते हैं, एमपी का आपका एनालाइज गलत हो गया, क्यों हो गया वो हम नहीं जानते, वो दुनिया जान रही है लेकिन हम उसको नहीं बोल रहे हैं, आप पुराने चाहने वाले, आपके पुराने चाहने वाले, वो तो है, वो तो है, देखिए सवाल, एक मिनट में सबसे बात करूंगा, राकेश भाई आपसे भी बात करूंगा और आपसे भी जो है वो बात, देखिए बड़ी बात ये है, मैं अक्सर जब इस तरह से भीड़ में होता हूं तो मैं जितनी देर ये बोले हैं, एक सेकंड बचे, इतनी जितनी देर तक ये बोले हैं शायद इतनी देर तक कोई और नहीं बोले होंगे, मैं बहुत थोड़ा समय जो है किसी को देता हूँ, उसके बाद में और बाकी लोगों की ओपिनियन भी लेता हूँ और बाकी लोगों से भी मैं बात करूंगा, लेकिन एक देखिए बड़ी बात जो इन्होंने कही, मैं माइक नहीं हटा पाया, कि ओरिजिनल नागरिक है जो सत्ता से सवाल पूछता है, ये बड़ी बात जो है, मुझे बड़ी लाइन यहाँ से मिली, हेमंत सोरेन की सत्ता हो, तेजस्वी यादव की सत्ता हो, नीतीश कुमार की सत्ता हो, सत्ता से सवाल पूछना एक सही नागरिक का काम है, ठीक है, अब राकेश भाई, अब भाई अब ये बताइए, ये लाइन जो ये कह रहे हैं, इस लाइन को आप दोहरा सकते हैं, बिल्कुल जो भी बोले हैं सही तो बात है, लेकिन भगवान राम को वो बोल रहे हैं मर्यादा है केवल, नहीं नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, चलिए धर्म के विषय में हो सकता है कि आपके विचार उनके विचार किसी के ज्यादा हो किसी के कम हो, किसी ने ज्यादा पढ़ा या किसी को ज्यादा आस्था या किसी को कम आस्था, ठीक है, लेकिन जो लाइन उन्होंने कही वो चले गए, अब जो लाइन उन्होंने कही कि सत्ता से सवाल करना सही नागरिक को बनाता है या ओरिजिनल नागरिक बनाता है, नागरिक तो सभी है, ओरिजिनल और डुप्लीकेट नागरिक, अरे ओरिजिनल नहीं, जो कर्तव्य भी तो होते हैं ना नागरिक के, एक नागरिक का कर्तव्य देश के प्रति है या नहीं है, बिल्कुल रहेगा, तो जो कर्तव्य को माने अपना वोट देके कर्तव्य निभाता है, सबसे पहला बात, वोट के बाद सवाल भी हो कि नहीं हो, या वोट दे दिया बात खत्म हो गई, होगा ना, बिल्कुल होगा, तो वो जो कह रहे हैं कि सत्ता से सवाल, क्या आप सत्ता से सवाल पूछ सकते हैं, बिल्कुल की सत्ता हो, बिल्कुल पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे, यहाँ पे मानते हैं हम निशिकांत दुबे, ये यहाँ का सांसद है, एक बीजेपी के हैं, काम नहीं करेंगे, उनसे भी पूछेंगे, हेमंत सोरेन के हेमंत का सरकार आता है वो काम नहीं करेगा, उनसे भी हम पूछेंगे, तो ये हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करवाया या जो है वो 36 घंटे ले लिए नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाने में, मोदी सरकार का जो रवैया रहा इस सब को लेकर के आप बिल्कुल सही मानते हैं, बिल्कुल, जो देखिए जो जिस तरीके से करेगा, जो प्रक्रिया हुई कि 4 घंटे में बिहार में शपथ हो गई और यहाँ 36 घंटे में शपथ हुई, शपथ वो नहीं की है ना, उनका पार्टी नहीं कर रहा, तो ना आपको जानकारी नहीं है, फिर आपको जानकारी नहीं है, अरे वो उसी दिन जो है वो लेटर दिए है बाकायदा, उसी दिन चंपई सोरेन का शपथ जब वो लेटर दिए हेमंत सोरेन और उसके बाद में शपथ नहीं हो पाई, और राज्यपाल के पास में गए अगले दिन 5 बजे तब भी शपथ नहीं हो पाई, रात को 11 बजे राज्यपाल ने नोटा दिया है, कहाँ जानकारी आपके, जानकारी पूरा तो नहीं है लेकिन हम इतना तो जानते हैं, ये जो किया वो ठीक किया, बिल्कुल, जो आप देखिए फिर क्या बात हो गई, देखिए कैसे ठीक है ठहरा रहे उसको बताइए, सबसे पहला बात ये लोग बिहार में 4 घंटे में शपथ हो गई, नीतीश कुमार पलट करके बीजेपी के साथ में गए 4 घंटे में, देखिए बीजेपी देखिए नीतीश कुमार को हम लोग महाराष्ट्र में सुबह 6 बजे हो गए, सुबह 6 बजे नीतीश कुमार पलटू है वो सबसे पहले नहीं, अब नीतीश कुमार और मोदी पर सवाल नहीं, सवाल ये है कि जो पैमाना एक तरफ है वो पैमाना दूसरी तरफ क्यों नहीं, उस बात को क्या वो जो कह करके गए हैं अभी आपके साथ में खड़े आप ही के यहाँ पे होंगे लोगों आप जानते हो शायद, तो सत्ता से सवाल क्या आज जनता कर पा रही है, सवाल ये है सत्ता का पैमाना जो एक तरफ कुछ हो रहा है एक तरफ कुछ हो रहा है क्या उसको चेक कर पाने का या उस पर पकड़ पाने की हिम्मत जो है दिखा पा रहे हैं लोग, देखिए केवल जो है वो एक लाइन में चलने की जो है वो अब वो हो गया है, बताइए, देखिए सबसे पहला बात हम इतना जानते थे राज्यपाल के पास लेटर गया, राज्यपाल के पास लेटर गया, क्या वहां से निर्णय निकला ये हमको आइडिया नहीं, सबसे पहला बात, इसलिए हम उसके बताओ आपकी नाराजगी दूर करता हूँ, देखिए बताओ नरेंद्र मोदी ने क्या काम किया, नहीं नहीं राज्यपाल पर हम सवाल पूछ रहे हैं, राज्यपाल मेरा ठीक है, नहीं वो जो 36 घंटे लगे और 4 घंटे लगे वो ठीक किया, 36 घंटा किया और 4 घंटा किया हुआ पत्रकार साहब आप बताइए, चलिए अब आप सवाल का जवाब देने के मूड, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि एक तरफ 4 घंटे एक तरफ 36 घंटे,
नहीं ये नरेंद्र मोदी मंदिर मस्जिद को ढावाया लीजिए, मंदिर मस्जिद कहा गया, गवर्नर की शपथ चल रही है यहाँ पर। हम गवर्नर की बात नहीं कर रहे, नहीं गवर्नर की बात नहीं, मैं पैमाने की बात कर रहा हूँ, नहीं सपोर्ट की बात भी नहीं है, वो सपोर्ट की बात नहीं, जो सही है वो क्या है वो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, सही क्या है, जनता किसको क्या सही मानती है। सपोर्ट तो ठीक है ना, मैं एक चीज पे आपकी दुकान की सपोर्ट करूंगा कि आपका चश्मा अच्छा है लेकिन लेंस का वो फ्रेम अच्छा है, लेंस ठीक नहीं है। क्या बात मत कीजिए, देश की बात कीजिए, है ना। अरे आप, अरे यार धमकी मत दीजिए। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, मैं कहाँ धमकी दूंगा, मैं तो आपके शहर में खड़ा हूँ, बताइए। हाँ बाबू जी थैंक यू। ये सवाल तो कहीं और से शुरू हुआ था, जब नहीं बात करेंगे, चलिए तो और कोई बात करेंगे, किसी की शिकायत ना रहे भाई। हाँ राकेश भाई भी चले गए, नहीं है तो शिकायत नहीं रही आपकी? शिकायत कोई नहीं है सर जी, बस देखिए वो 24 36 घंटा लगा या 4 घंटा लगा, सहमति उसमें उसका होना चाहिए ना सर, का विधायक का भी, विधायक का समर्थन पत्र है, विधायकों को यहाँ से भेजना पड़ रहा है, उल्टा विधायक रांची से हैदराबाद भेजना पड़ रहा है। कौन भेजा? हाँ, बीजेपी वाले नहीं भेजे? नहीं बीजेपी नहीं भेजा, लेकिन उनको रहना चाहिए ना। अच्छा ये बताइए अब वो जो है विधायक, हाँ, वो क्यों हो रहा है कि चाहे गुवाहाटी से, जब वो पिछली बार जो महाराष्ट्र के विधायक गए, हाँ, वो महाराष्ट्र से सूरत, सूरत से गुवाहाटी, और फिर उसके बाद सरकार भी जो है वो चली गई, पार्टी भी चली गई, क्या ये सही हो रहा है लोकतंत्र में जो हो रहा है? सभी बातें सही नहीं होता है और सभी बातें गलत भी नहीं होती। ये सही है महाराष्ट्र का जो हुआ है, ये नहीं बता सकते। अच्छा जो गुवाहाटी का हो, ये यहाँ पर आपका रांची का हो रहा है, वो सही हो रहा है? अभी अभी सही नहीं हुआ। झारखंड का नहीं हुआ? सही नहीं हुआ। क्या सही नहीं हुआ? मैंने बहुत पहले ही शपथ ले लेना चाहिए, जो 4 घंटे का वक्त दिया गया बिहार को, हाँ। यहाँ झारखंड में 12 घंटा 8 घंटा 6 घंटा इंतजार होता रहा, इंतजार अब विधायकों के खरीदने का, विधायक क्यों खरीदेगा, विधायक बिकने का इंतजार था। देखिए उनके पास में 48 विधायकों का वो वीडियो बना करके जारी कर रहे हैं कि हमारे पास में 48 विधायक है, सरकार बनाने के लिए केवल 42 चाहिए, तो फिर बताइए शपथ में क्यों इंतजार जो है डिले किया? अच्छा तो ये 42 विधायक में से कुछ बिकने के लिए भी तैयार हैं? कुछ बिकने के लिए भी तैयार हैं? जब 48 विधायक मौजूद है, 48 विधायकों का वीडियो बना करके डाला जा रहा है, 42 सरकार बनाने के लिए चाहिए, उससे 6 फालतू थे, उसके बाद में भी इंतजार क्यों? तो इंतजार क्यों कराया गया? देखिए आप अगर खरीदने के लिए, खरीदने और बिक्री करने वाला बात, तो विधायक को फिर बिकना नहीं चाहिए सबसे पहला बात, है ना। और खरीदने वाला सही है? खरीद कौन रहा है? हिडन प्रॉब्लम आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, कोई नहीं खरीद रहा है। अच्छा। कौन खरीद लेगा बाकी मैसेज? कोई नहीं खरीद रहा विधायकों को? अगर खरीद नहीं रहा है तो फिर सारे विधायक अप्रोच लगा रहा है, पूरा तरह से अपना अप्रोच लगा रहा है। ये कह रहे कौन खरीद रहा है? एकदम बीजेपी गवर्नमेंट जो हमेशा से अपना अप्रोच में रहता है कि जहाँ कोशिश हो सके हमारा सरकार बनना है तो बन जाए, खरीद करके बनाए। खरीदेगा क्यों भाई, सहमति भी एक होता है, आपको प्रेम से हम बोले सहमति से जा रहा है, बिल्कुल नहीं। 5 साल में चुनाव होता है, चुनाव जीत के जो सरकार बना सकता है अपना बना ले, बात बाकी जोड़ तोड़ का अगर सरकार कोई बनाने का अगर कोशिश करता है तो वो फिर गलत है। चलिए कोई भी पार्टी हो, लेकिन ये आज मौजूदा वक्त में कभी नाव इस तरफ और कभी नाव उस तरफ, कभी वो तो सेंट्रल में जिसका भी गवर्नमेंट रहेगा वो तो बस ये अप्रोच में रहेगा, ये ठीक है हमेशा से, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस वो है, बट ये गवर्नमेंट कुछ ज्यादा कर रही है। अच्छा कौन गवर्नमेंट कुछ ज्यादा कर रही है वो सभी जानते हैं। डरा रहे हो क्या भाई? नहीं बोल रहे हैं, नाम बताइए एक बार, वो क्या वो कौन सा है वो मैं बताइए, सरकार जिसकी वो है वो बताइए, वो मतलब कौन? ऐसा क्या है अगर जो ईडी की कार्रवाई 121 नेताओं पर अगर हो रही तो 115 विपक्ष के ही है केवल? देखिए वो तो ईडी है ना भाई, आपके बारे में ज्यादा नॉलेज होगा तो आपको पकड़ेगा पहले, नहीं तो केवल विपक्ष का ही नॉलेज कम रहेगा, हम कम पकड़ेंगे। मतलब आप मेरे को भी ईडी से पकड़वाने क्यों बोल? नहीं हाँ बिल्कुल,
अगर आप गलत हैं तो आप पीछे हटिए। तो सारा विपक्ष गलत है, सिर्फ देखिए गलत और सही का बात नहीं हो रहा है। आंकड़े तो यही कह रहे हैं ना, 121 में से 115 विपक्ष का है। हिडन प्रॉब्लम क्या है आपको भी नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम, है ना। अब मतलब हिडन प्रॉब्लम सारा विपक्ष में ही है। क्यों हिडन प्रॉब्लम, ये नहीं बोला जा रहा 115 में से 121 ना, 121 में से 115 विपक्ष। देखिए एनालाइज किया गया, देखा गया, इनके पक्ष में है सब। किनके पक्ष में है? हेमंत बाबू। नहीं नहीं, अब आंकड़े पे बात आए तब हेमंत पे चले गए। नहीं नहीं, ईडी की कार्रवाई हुई, किसी एक बीजेपी नेता पर ईडी की कार्रवाई हुई है तो क्यों नहीं हुआ है? नाम बताइए। क्यों अभी नहीं हुआ है ना, इसके पहले नहीं हुआ है कभी? मौजूदा सत्ता में अपनी सत्ता के रहते हुए कार्रवाई करवाई गई हो क्या ईडी के, बीजेपी के नेता सारे दूध के दूल्हे हैं? अच्छा एक बार और बात सुनिए, आपके पिता ही, सुनिए एक मिनट, आपके पिता ही आपके सर पे हाथ रख दे, दूसरा कौन आके का पकड़ लेगा आपको? मतलब मान रहे हो उस बात को कि मोदी जी ने हाथ रख रखा है? हाथ रख रखा है मतलब, अरे उनको हम नहीं बोल रहे हैं। आप किसको बोल रहे हो? सबसे पहला बात, अपना हाथ अपने छत्र छाया में देखिए, है ना। आप गलत हैं तो गलत हैं, सीधा बात। तो मतलब विपक्ष सिर्फ गलत है? विपक्ष को गलत क्यों बोला जा रहा है? तो यही कह रहे हैं, आप ही को बोला जा रहा है ना। तो यही कह रहे हैं, आंकड़े नहीं देखिए कि कैसे देखेंगे हम? आप बिकने का इंतजार कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, आंकड़े सरकार के आंकड़े हैं, मेरे भी नहीं है ये। सरकार का आंकड़ा ये है कि 121 में से 115 विपक्ष के हैं, तो मतलब मोदी जी या जिसका आप हाथ की बात कर रहे हैं, जिसको आप पिताजी बता रहे हैं, वो पिताजी का हाथ विपक्ष के नेताओं पर नहीं है और सत्ता पक्ष के नेताओं पर है। जिस दिन मौका लगेगा कभी भी, अभी मतलब 1, 2, 4, 5 साल हो गए, किस दिन मौका लगेगा? जिस दिन मौका मिलेगा, किस दिन लगेगा? 10 साल हो गए, बारे में पता चलेगा। 10 साल में किसी भी एक बीजेपी के नेता पर बड़ी कार्रवाई हुई बताइए? अरे आरोप तो बीजेपी बताइए ना, एक कोई बीजेपी का बड़ा नेता 10 साल में कोई तो काम किया होगा ना गलत, या आपको लगता है 10 साल में बीजेपी का कोई एक नेता गलत काम नहीं किया है? अब एक आप गिनती कराइए कोई गलत किया हो, बताइए। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आप बताइए, हम फिर बता देते हैं कौन सही किया फिर। अरे हेमंत सोरेन के ऊपर अमित शाह आरोप लगाते थे कि कौन लगाते थे? हेमंत सोरेन पर नहीं, ये माफ कीजिए, हेमंत बिस्वा शर्मा पर। हाँ बताइए कौन लगाया? कौन लगाया? अमित शाह लगा, अमित शाह लगा, अमित शाह जी। देखिए अभी बाद में फिर अमित शाह जी अपने पाले में ले लिए मुख्यमंत्री, अभी तो, अभी तो अच्छा। उसके बाद में मोदी जी बोलते नेचुरली करप्ट पार्टी अजीत पवार, और 2 दिन बाद में खबर आती है कि अजीत पवार उनके डिप्टी सीएम अगले बस सारा आरोप। देखिए जो भी हो फिर दोबारा से आपको प्रधानमंत्री वही मिलेंगे आप, मतलब अब सारे आंकड़े फेल। आंकड़े कहाँ फेल हो गए? तो बताइए ना, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। कांग्रेस हाँ बस वही, मतलब ये भ्रष्टाचार वगैरह होता रहे, अपना काम चलता रहे, पिताजी जो है वो हाथ अपने लोगों पर रखे, विपक्ष का नेता वो रहे, मोदी जी रहे, यही बात ना आखिरी? मोदी जी तो रहेंगे ही रहेंगे, तो अपने ही वो मतलब भ्रष्टाचार अपना लोग करे कोई दिक्कत नहीं। भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? तो ये ईडी फिर एकला, ईडी जो है वो फिर 121 में से केवल 115 विपक्ष के नेताओं को क्यों धर रही है? नहीं विपक्ष का कोई मिला नहीं ना, हिडन क्लून मिलना चाहिए भी तो। हिडन कहा, कोई क्लू तो मिलना चाहिए। 121 में से 115 है। अच्छा हमको इतना आदमी है, हाँ हमको गलत ठहराइए, कोई चीज गलत आ रही है? गलत और सही के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं से ये नहीं देखिए कि 115 वाली बात बता रहा हूं। 115 का, हां 115 आदमी है, उसका प्रॉब्लम नहीं मिला कोई चीज, कैसे जबरदस्ती पकड़ लेगा आपको? तो बीजेपी का कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है, बीजेपी में सब दूध का धुला है, सब दूध का धुला है, और जो विपक्ष में रहे तब तक जो है वो गंदा है, बीजेपी में आते ही दूध का धुला हो गया, सब धुला गया ना। वॉशिंग मशीन बस विप्रो का एकदम बस। देखिए कुल मिला करके हम जो है वो शुरुआत तो पता नहीं कहाँ से कर रहे थे, शुरुआत में तो यहाँ पर जब शुरुआत हुई तो बड़ा एकदम से हल्ला गुल्ला था, धक्का लग गया, और धक्का लग करके हम वहाँ चले गए, फिर उसके बाद काफिला जो है बहुत आगे बढ़ गया, और मुझे लगा कि अब काफिले के पीछे दौड़ना कोई ठीक नहीं होगा, क्योंकि काफिले को हम जो है कैच नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद में फिर एक बाऊजी मिल गए, उन बाऊजी से बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हो गई, और उन्होंने एक नई लाइन दी जो मुझे अभी तक किसी ने वो नई लाइन नहीं दी थी, कि सत्ता के सामने सवाल करना ही सही नागरिक बनाता है। मुझे नई लाइन मिली आज यहाँ पर, और वो बात कर रहे थे कि जब कांग्रेस अगर सत्ता में होगी तो हम बीजेपी की तरफ से सवाल पूछेंगे, विपक्ष की तरफ से सवाल पूछेंगे, एक नई लाइन यहाँ पर दी। फिर उसके बाद में राकेश जी जो है वो यहाँ पर जुट गए, और राकेश जी के बहाने कई और लोगों से बातचीत होती चली गई, लेकिन कुल मिलाकर के बात जो है फिर यहाँ पर आकर के ठहर गई कि जो पिताजी का हाथ है वो 115 पर नहीं है, 121 में से, और उसके बाद में बाकी सब पर जो बातचीत हुई है उसको आप लोगों तक पहुंचाइए, और आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।